आज 21 जून 2021 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है हमारी सनातन परंपराओं के हिसाब से, और भारत के बहुत प्रयासों के बाद यूएनओ में ये एक दिन पूरे विश्व के लिए पास हुआ है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो पूरा विश्व इसको मनाता है, मना रहे हैं। आप सभी को मेरी सत्य सनातन परंपरा से जुड़े इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये आज का जो दिन है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे किसी दीपावली, होली या नववर्ष या जन्मदिन से किसी या राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है, क्योंकि जो योग है, योग सबके लिए है, योग पूरे विश्व के लिए है। योग किसी जाति, धर्म, पंथ, बंध किसी उसके लिए योग नहीं है। जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, और खाली उसी को लाभ नहीं मिलेगा, उससे जुड़े हुए समस्त जो आसपास परिवार के आसपास आस पड़ोस के लोग और अन्य मित्रों को भी उसका लाभ मिलता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, संस्कारों में परिवर्तन आता है, वृत्तियों का निरोध होता है, एकाग्रता बनती है, तो अन्य समाज के अंगों को भी लाभ मिलता है। तो इसीलिए योग सर्वांगीण विकास करता है। योग PMIS यानी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, ये डेवलपमेंट करता है योग हमारा। इसको हम दूसरे उसमें भाषा में, दूसरे शब्दों में इसका एक छोटा सा रूप लिया है जिसको बोलते हैं श्यामा बोआ। श्यामा बोआ का मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। योग हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी करता है, और खाली आसनों और प्राणायाम तक सीमित न रहे, क्योंकि योग अपने आप में एक अद्भुत और बहुत विशेष, और यानी लगा के हमारे शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा तक हम इसको जोड़ने में ये क्योंकि कार्य करता है। तो इसलिए खाली शरीर में शारीरिक योग न करके मानसिक यानी आंतरिक योग भी करें, क्योंकि बहिरंग योग और आंतरिक अंतरंग योग दो प्रकार का योग है। बहिरंग योग में यम आसन, यम नियम आसन और प्राणायाम आए, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो ये हमारा अंतरंग योग है। इस हिसाब से जो योग है, योग को चार भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। राजयोग सर्वांगीण योग है अपने आप में। जो कर्मयोग है, शरीर प्रधान है, शरीर से अधिक जुड़ा होता है, और भक्ति योग मन से जुड़ा हुआ, मन का योग कहलाता है, और ज्ञान योग जो बुद्धि का योग कहलाता है, और जो सॉरी ये आपका कर्मयोग शरीर का योग है, जो भक्ति योग है ये मन का योग है, और ज्ञान योग ये बुद्धि का योग है। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करने में हेल्प करता है। आदिनाथ भगवान शिव इसके प्रणेता है, और जो अपना शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता, ये सब के सब हठयोग के मार्ग हैं। और वैसे तो पतंजलि योग सूत्र में भी योग का बहुत गहन वर्णन है, मन से कैसे आत्मा की यात्रा तक हम पहुँचे, और वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ, इनमें सब में योग बहुत अपने आप में विस्तृत रूप फॉर्म में है। तो साथियों, इसको एक सूत्र को याद रखें, नो योगा नो पीस, और नो योगा नो पीस। नो योगा पहला तो हुआ NO, नो, दूसरा भी NO, नो, फिर इसके बाद KNOW, यानी नो योगा मीन्स NYNP, नो योगा नो पीस, और नो योगा नो पीस KYNP। तो योग है तो शांति भी है। चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ और खेल के क्षेत्र में हुआ, हर क्षेत्र में योग की आवश्यकता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि योग करने के लिए क्रिकेट खेला जाए, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए योग की आवश्यकता है। आवश्यक ये आवश्यक नहीं है कि योग करने के लिए फुटबॉल खेला जाए, लेकिन फुटबॉल खेलने के लिए योग की आवश्यकता है। ये आवश्यकता नहीं है कि घर के काम करने के लिए योग करने के लिए घर के काम या बाहर के सब आने जाने जरूरी हैं, लेकिन हर काम के करने के लिए योगमय होना जरूरी है, योग से जुड़ना जरूरी है। क्योंकि योग हमें हमारी अपनी आंतरिक जो चेतना से जोड़ने का काम करता है, और ये आंतरिक चेतना पूरी जो व्यक्तिगत चेतना है, इसका संबंध फिर हमारा व्यष्टि या समष्टि चेतना से भी
होता है। तो ये योग दिवस की के विषय में मैं आपसे थोड़ा सा विशेष आपको शुभकामनाएं देने के लिए आपको ये संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।